बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे उम्मीद है आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह मियाँ आपको अपने बच्चों पर सलामती दे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा चैनल माजी अरफन मौला, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। तो अभी बस ईद वाले दिन तो हमने शीर खुरमा बनाया था, अब आज मेरा दिल किया चले मैं सादी सेवइयां, मीठी सेवइयां बनाऊं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब देखें, ये मीठी सेवइयां ये भी बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। ये बनानी है तो इसके लिए जो इसमें चीज़ें मैंने डालनी है वो ये है सेवइयां, ये चीनी है छोटा बॉल, और दो अंडे मैंने फेंट के रखे हुए वो डालने हैं, और दूध है, दूध भी और थोड़ा पानी भी डालूंगी। और ये गार्निशिंग के लिए ये है सारे बादाम से ये वैसे डालूंगी सेवइयों में वो गार्निशिंग के लिए। और बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है कि जब आप सेवइयां बनाएं तो ये सबसे पहले आप उसको अंदर ही उसको इस तरह करें, क्योंकि एक तो जो उड़ती बहुत है, दूसरी ये है कि ये नाखून में इसके जाने का बड़ा डर होता है, क्योंकि ये मेरे साथ बीत चुका हुआ था एक दफ़ा इसी तरह। मैंने हाथों से सेवइयों को बहुत किया तो मेरे नाखून के अंदर जो चली गई थी ना, वो दो महीने में मैं तकलीफ में रही थी, किस कदर वो नाखून में चली गई थी कि वो ना निकल रही थी, पता नहीं वो किस तरह अल्लाह की मेहरबानी हुई, ऐसा ऐसा नाखून काटती गई तो वो जो सीधा ये बाई गई किस सेवइयां हैं, बारीक सेवइयां बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने कर ली है सारी, डालने लगी हूँ घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी अंदाजे के साथ ही डालूंगी मैं। सेवइयां तो थोड़ी हैं लेकिन मैं जरा इसको खुले बर्तन में बनाने लगी हूँ। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ब्राउन करेंगे। ये भुनी होती हैं लेकिन घी में करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें इलायचियाँ डाल देती हूँ, चार पाँच इलायची डाल देती हूँ। इलायचियों से तो माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। और अब इसका तो ये भून गई है अच्छी तरह से, भून गई। अब मैं ना इसमें डालने लगी हूँ थोड़ा सा दूध, थोड़ा पानी। दूध डाल दिया और थोड़ा पानी भी डाल दिया, ये चीनी डाल दी है, कोकोनट है ये भी मैंने डाल दिया, अंडे फेंट के मैंने इसमें ऐड कर दिए। मैंने ना दो अंडे डाल दिए इसमें, दम पे रख दी, अब मैंने दम पे रख दी। चले दम लग चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ये दम लग चुका है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बेटियों देखें, मैंने ना मीठी सेवइयां जो है ना वो मैंने बना ली हैं, ये देखें माशाल्लाह, और इसमें अंडे भी डाले हैं, दूध भी डाला है, और ये देखें इतनी प्यारी बन गई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इसकी डेकोरेट की इसकी है यही चीज़, इसकी खासियत है जो खूबसूरती में इजाफा कर देती है। ये एक पैकेट सेवइयों का है और दो अंडे मैंने उसमें फेंट के डाले हैं और थोड़ा दूध थोड़ा पानी, वो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। देखिए मैं टेस्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
व्यूअर्स के देखें, ये देखें बिल्कुल अलग अलग है और टेस्ट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान यकीन करें कि ज़बरदस्त बनी, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप भी ज़रूर इस तरह ट्राई करें। वही मैं बता रही हूँ कि ना मैंने रेसिपी बताती हूँ, ना मैं कोई शेफ बार बार यही कहती हूँ। मैं तो सिर्फ एक बाली का हाथ की चीज़ें बनाती। ये देखिए दाना दाना है कोई इसमें, और घी भी बिल्कुल नॉर्मल है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो ये बादाम है, अगर बेटी अगर ये दिल करेगा तो वो उसको छील के वो डाल देगी, पर मैंने रख लिया। मेरा ब्लॉग था वो मीठी सेवइयों में था, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो आप भी इस तरह ट्राई करिएगा और उसके बाद मेरी चीज़ के कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ वाकई बहुत अच्छी, दिखने में अच्छी है तो खाने में भी उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो प्लीज मेरे उनके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और उन्हें शाबाश भी दीजिएगा। जैसे देखिए मसला कमर का मसला है, बैठती हूँ इसलिए मैं मुश्किल से मुश्किल चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता उसको। तो प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको आपके लिए ढेर सारी दुआएं करती हूँ। अल्लाह पाक आपको हर किस्म की खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।